जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ। आज हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर मलाई बुबाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने घर से, अपने मोहल्ले से निकल चुका हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे रेलवे स्टेशन यानी चार बाग। देखता हूँ वहाँ पे मुझे ट्रेन मिलती है या बस मिलती है, जैसा भी मुझे सफिशिएंट लगता है। एंड ऑल पैसे भी मेरे पास बहुत थोड़े ही हैं, मुझे आना है और जाना है, तो आइए चलते हैं, देखता हूँ। ठीक, पहले तो यहाँ से चलते हैं चार बाग। अगर चार बाग में नहीं समझ में आएगा तो चलेंगे आलमबाग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं चार बाग में। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आलमबाग बस स्टॉप पे आ चुका हूँ। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे कि बस हमें मिल गई है, सेवा बस का नाम है, वहाँ के अंदर चलते हैं, देखते हैं। ड्राइवर मेरे से बोल रहा था कि आई थिंक 4 से 5 बजे तक ये हमें गोरखपुर पहुंचा देगी, तो मैं अपनी जगह अपनी सीट ले लेता हूँ। गोरखपुर जाने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिलेगा। तो जैसा कि अभी तो बस पूरी खाली है और जब तक ये लोग और पैसेंजर्स को बैठाते हैं तब तक मैं सोच रहा हूँ पानी यानी ले के रख लूँ अगर प्यास लगती है। ओके, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो
हमारे घर में हमारे पापा हमारे चाचा लोग बनाते थे, बचपन से मैं ऐसे खाते आ रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखा कि देख रहे हैं हम लोग, मैं गोरखपुर सिटी में पहुंच गया हूँ और काफी खूबसूरत शहर है ये। रोडे यहाँ की काफी चौड़ी हैं, बिल्डिंगें बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। तो देखिए योगी जी ने कैसे रोड के किनारे खम्भे लगवा रखे हैं, वेरी ब्यूटीफुल। ये हमें हमारे भैया मिले हैं जो हमारे होटल तक हमको ले जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? पंकी शर्मा। पंकी शर्मा बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे होटल के बारे में आइडिया नहीं था, इन्होंने मुझे बताया, सही जानकारी दी मुझे, जहाँ तक जाना है वहाँ तक ले जाने के लिए इन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ दूँगा। गोरखपुर आकर के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब फॉरेन में आ गया हूँ। देखिए यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए, एकदम एंटीक पीस। तो इसी के साथ मैं आ गया हूँ गोरखपुर के द रेडिएंट रिजॉर्ट लाइव उबार। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं होटल ग्रैंड रेडिएंट आ चुका हूँ। ठीक है, कंपनी ने मेरे को रूम प्रोवाइड किया है। शाम को ओनर की बर्थडे पार्टी है और इसी के साथ में मुझे शहर के तमाम दिग्गज रईस लोग इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी थक सा गया हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आप लोग देख सकते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू गॉड। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आज शाम की पार्टी अंदर बार में। मैं आपको बताऊँ बार में सेटअप बहुत तगड़ा है और CO2 जेट, कंफर्टी ब्लास्टर शावर, मतलब सब कुछ माइंड ब्लोइंग जैसा मैं चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं, किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। थैंक यू सो मच।